स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर डीएमसी यानी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग पार्ट थ्री करेंगे इससे पहले दो पार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर सभी ये निमी के क्वेश्चन ही हैं अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक है वहाँ से आप जाके पार्ट वन और टू जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे इससे पहले एक अनाउंसमेंट लास्ट का क्वेश्चन एक आपके लिए है जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से हमने रखा है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है इससे पहले हम लोग फिफ्टी सीरियल नंबर तक कर चुके हैं वाट द मैक्सिमम डिग्री कैन बी मेजर्ड इन सर्कुलर प्रोट्रैक्टर तो एक जो सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है वृत्ताकार चांदा उसमें मैक्सिमम कितनी डिग्री नाप सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें थ्री सिक्सटी डिग्री नाप सकते हैं राइट right आंसर कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री अगला क्वेश्चन है फिफ्टी टू वट द प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स इफ द क्ले इज मेड लूज एंड एनी इन्ग्रीडियंट्स टू बी एडेड टू इट यदि लूज क्ले बनाया जाए और कोई भी घटक को इसमें जोड़ा जाए तो ईंटों के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी वेदरिंग यानी अपछय क्लीनिंग

तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी नेक्स्ट है फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन व्र द रियर व्यू इज प्लेस्ड इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल आप प्रोजेक्शन जानते हैं उसमें जो रियर व्यू है वो कहाँ पे रखा गया है ठीक है राइट साइड ऑफ राइट साइड व्यू यानी दाई ओर देखने का दाई ओर दाई तरफ रहेगा बॉटम ऑफ एलिवेशन यानी एलिवेशन से नीचे लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड व्यू राइट साइड व्यू के लेफ्ट साइड में या टॉप ऑफ एलिवेशन तो रियर व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड में रखा जाता है राइट साइड व्यू के अगला क्वेश्चन है 55 नंबर नंबर द प्लान इज प्लेस्ड इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लान को कहाँ रखा जाता है बिलो एलिवेशन एलिवेशन के नीचे एबव एलिवेशन एलिवेशन के ऊपर लेफ्ट ऑफ एलिवेशन या राइट ऑफ एलिवेशन तो हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लान को एलिवेशन के ऊपर रखा जाता है नेक्स्ट है फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन वाट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर वायु से जलवाष्प को अवशोषित करने के लिए पदार्थ की विशेषता क्या कही जाती है हाइड्रोस्कोपिसिटी वाटर एब्जॉर्बसन परमिबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्कोपिसिटी ठीक है वायु से जलवाष्प को अगर कोई पदार्थ एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे कहते हैं हाइड्रोस्कोपिसिटी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट वाटर टू पास थ्रू इट अंडर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दबाव में पानी को गुजरने की अनुमति देने के लिए मटेरियल की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन टिकाऊपिबिलिटी पोरसिटी या डक्टिलिटी तो उसे कहा जाता है परमिबिलिटी अगला क्वेश्चन है 58 नंबर व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन स्टोन टू स्टडी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन साइज मामूली घटकों के दाने के आकार का अध्ययन करने के लिए पत्थर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है ठीक है फ्रीजिंग स्मिथ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या हार्डनेस राइट आंसर आपका ऑप्शन सी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्टी नाइन यहाँ पे नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अबाउट 20 सेंटीमीटर डेफ्थ ऑफ सॉइल टू अ सर्टेन एरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक ईंट के निर्माण के लिए एक निश्चित क्षेत्र में मिट्टी की लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई को हटाने की प्रक्रिया का नाम बताइए अनसॉइलिंग टेम्परिंग ब्लेंडिंग या क्लीनिंग तो ईंट के निर्माण के लिए जो निश्चित क्षेत्र में मिट्टी के लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई हटाई जाती है उसे बोला जाता है अनसॉइलिंग बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साठ है व्हाट इज मार्क डायज एक्स इन ब्रिक वर्क ये एक ब्रिक वर्क है इसमें जो एक्स के रूप में मार्क है ना इसका आपको नाम बताना है क्या है कॉर्निस ब्रिक बुलनोज ब्रिक कांट ब्रिक या कैंट ब्रिक ठीक है राउंड इंडेड ब्रिक राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉर्निस ब्रिक बोलते हैं इसे कॉर्निस ईट बोलते हैं इसको इकसठ नंबर क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम चूने का वर्गीकरण जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है बाल टेस्ट विजुअल टेस्ट इम्प्योरिटी टेस्ट या वर्केबिलिटी टेस्ट तो चूने का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग इस टेस्ट करते हैं कौन सा बॉल टेस्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 टू हिच इज द टेस्ट डन यूजिंग विकेट अपरेटस विकेट उपकरण का उपयोग करके कौन सा परीक्षण किया जाता है फाइननेस टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट साउंडनेस टेस्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तन्य शक्ति का परीक्षण तो यहाँ पे है विकेट टेस्टिंग से हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट का ठीक है किसका टेस्ट करते हैं साउंडनेस टेस्ट ध्वनि परीक्षण अगला क्वेश्चन है वट द परसेंटेज जिप्सम एडेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट सीमेंट के निर्माण में कितना प्रतिशत जिप्सम जोड़ा जाता है तो किसी भी सीमेंट के निर्माण में जिप्सम जो जोड़ा जा रहा हो कितना परसेंट है सात से दस है पाँच से सात तीन से चार या एक से दो परसेंट राइट आंसर है थ्री टू फोर परसेंट यानी तीन से चार परसेंट अगला क्वेश्चन चौंसठ नंबर है विच सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट एंड फर्नेस रासायनिक संयंत्र और भट्टी के निर्माण के लिए कौन सी सीमेंट अधिक उपयुक्त है एक्सपेंडिंग सीमेंट हाई एलुमिना सीमेंट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट यहां पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है ये रासायनिक संयंत्र और भट्टी निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त होती है पैंसठ नंबर क्वेश्चन है वाट द प्रपोर्सन ऑफ सीमेंट वाटर प्रूफर्स फॉर वाटर टैंक्स इन पेस्ट फॉर्म पेस्ट के रूप में पानी की टंकियों के लिए सीमेंट वाटर प्रूफर्स का अनुपात क्या है एक से दस ग्यारह से पंद्रह सोलह से बीस या इक्कीस से पच्चीस तो यहां पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक से दस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुइ सीमेंट इज मोर सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एब्यूटमेंट एंड पायर्स एबटमेंट और पियर्स या पायर्स जो भी है के निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट अधिक उपयुक्त है एबटमेंट एंड पियर्स हाई एलुमिना सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट या सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट राइट आंसर आपका ऑप्शन सी मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी जिसे कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट होता है एंड ये है आपका मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट ठीक है अगला क्वेश्चन है सिक्सटी सेवन वट द नेम ऑफ द पार्ट लेबल डाइज इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो एक्स के रूप में जो लेबल है उसका आपको नाम बताना है क्या है पिथ बास्ट सेड या सेफ हार्टवुड yeah, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ए पिथ अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ फॉर्म लेबल्ड एज एक्स इन ब्रिक मेसनरी ये ब्रिक मेसनरी है ईंट की चिनाई यहां पे हुई है ठीक है इसमें जो एक्स वाला पोर्सन है इसका आपको नाम बताना है क्या है हेडर है क्वीन क्लोजर है क्वीन क्लोजर दो बार है ऑप्शन एंड क्वीन स्ट्रेचर है तो यहां पे राइट right आंसर आपका क्वीन क्लोजर यह ऑप्शन आपको एक ही बार मिलेगा यहां आपको कुछ और मिलेगा हो सकता है किंग क्लोजर मिल जाए तो ये राइट आंसर क्या है इसका क्वीन क्लोजर है नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्सटी नाइन विच टाइप ऑफ पेंट इज अप्लाइड फॉर आयरन वर्क अंडर वाटर पानी के अंदर लोहे के काम के लिए किस प्रकार का पेंट लगाया जाता है एसबस्टस पेमेंट सेलुलोज सॉरी पेंट सेलुलोज पेंट एल्यूमिनियम पेंट या बिटुमिनस पेंट तो पानी के अंदर लोहे का जो भी उसमें हम लोग बिटुमिनस पेंट का यूज करते हैं सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ स्टोन जॉइंट इस स्टोन जॉइंट का आपको नाम बताना है पत्थर के जॉइंट या जोड़ का नाम बताना है लैप जॉइंट है बट जॉइंट है टेबल्ड जॉइंट है या टंग एंड ग्रूप जॉइंट है तो ये है आपका टेबल्ड जॉइंट क्या है टेबल जॉइंट इसका नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक इस ब्रिक का आपको नाम बताना है किंग क्लोजर बेवेल्ड बेट क्वीन क्लोजर या मीटर्ड क्लोजर या माइटर्ड बोलते हैं ठीक है तो ये है आपका किंग क्लोजर राइट आंसर ऑप्शन ए किंग क्लोजर 72 टू नंबर क्वेश्चन है वट द नेम ऑफ द वॉल वाल आपने देख ली इसका आपको नाम बताना दीवार का स्टोन फेसिंग विद बैकिंग स्टोन फेसिंग विद रबल बैकिंग ब्रिक फेसिंग विद कंक्रीट बैकिंग या फेसिंग ऑफ ब्रिक वर्क एंड बैकिंग ऑफ एसलर मेसनरी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी स्टोन फेसिंग विद रबल बैकिंग यानी स्टोन फेसिंग रबल बैकिंग के साथ है ये दीवार आपका अगला है क्वेश्चन सेवेंटी थ्री नंबर वर द नेम ऑफ टूल यूज फॉर सेटिंग एंगल इन ब्रिक मेसनरी ईंट चिनाई में कोण की सेटिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का आपको नाम बताना है बेवेल प्लम रूल मेसन स्क्वायर या वन मीटर यू फोल्ड रूल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बेवेल जो है ये आपका ईंट चिनाई में एंगल सेटिंग के काम आता है नेक्स्ट है सेवेंटी थ्री ए यहाँ पे कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं आपके कि ए बी सी डी करके हैं तो विच रिजिड बोर्ड इज नोन एज प्रेस्ड बोर्ड किस कठोर बोर्ड को प्रेस्ड बोर्ड के रूप में जाना जाता है प्लाईवुड बोर्ड को कंप्रेक्ट बोर्ड को फाइबर बोर्ड को या लेमिनेटेड बोर्ड को तो जो आपका फाइबर बोर्ड है इसे प्रेस्ड बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है सेवेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है विच सर्फिस आर रिकमेंडेड विद सीमेंट पेंट इमल्सन पेंट ऑयल पेंट एंड सिल्वर एट पेंट सीमेंट पेंट इमल्सन पेंट आयल पेंट और सिल्वर पेंट के साथ कौन सी सतहों की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन की जाती है आयरन सरफेस की प्लास्टर्ड सरफेस की वुड सरफेस की या मेटल सरफेस की तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर है प्लास्टर्ड सरफेस यानी जो प्लास्टर की हुई सरफेस है उसकी रिकमेंडेशन की जाती है सीमेंट पेंट इमल्सन पेंट ऑयल पेंट या सिल्वर पेंट से नेक्स्ट सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन वट द टर्म यूज फॉर कवरिंग और किलिंग ऑफ ऑल नॉट्स इन वुड सर्फेस बाई रेड लेड लाल सीसा द्वारा लकड़ी की सतह में सभी गांठों को हटाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है फिनिशिंग का नॉटिंग स्टॉपिंग या क्लीनिंग तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी नॉटिंग बोला जाता है उसको अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन है आपका इम्प्लाइबिलिटी स्किल से एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है वायरस साइबर क्राइम सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग तो जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जिसका भी कमेंट सही होगा उसमें तो हम लाइक एंड रिप्लाई जरूर करेंगे वीडियो कैसी कैसे लगी? आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे आपको आई, आई की स्टडी के साथ साथ आई के अपडेट जॉब और अप्रेंटिशिप की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी थैंक यू वेरी मच